बरेली में मोबाइल छिनैती करने वाले गैंग के नाबालिग सहित 3 अभियुक्त गिरफ्तार कर उनके पास से इज्जतनगर पुलिस ने 4 मोबाइल, 1 मोटरसाइकिल बरामद की है। एसपी क्राइम एसपी सिंह ने बताया, थाना इज्जतनगर पुलिस टीम तथा एसओजी तथा सर्विलांस की संयुक्त टीमों का गठन करके पुलिस ने 2 अभियुक्तों को 4 मोबाइल और 1 अपाचे मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया है। यह अभियुक्त तेज रफ्तार बाइक से मोबाइल छिनैती का काम करते थे। मामला ये है कि 18 सितंबर की शाम मुसाराम एजेंसी थाना क्षेत्र इज्जतनगर में रवि लेखवाती जा रहे थे, तभी पीछे से 2 पहिया वाहन सवार कुछ लोगों ने वादी के मोबाइल आईफोन छीन लिया, जिसके संबंध में थाना इज्जतनगर पर मुकदमा लिखा गया। थाना पुलिस टीमों द्वारा उपरोक्त के परिक्षेप में तमाम खोजबीन सुरागसी पतागसी के क्रम में मुखबिर की सूचना पर सौफटा रोड बाग के पास से अपाचे मोटरसाइकिल बिना नंबर प्लेट सहित हर्षपाल पुत्र आनंद पाल निवासी मोहल्ला कालीवाड़ी हाता फालतूनगंज थाना वारादरी जिला तुषार पुत्र ताराचंद निवासी कालीवाड़ी नियर राजू बतासेवाला थाना बारादरी बरेली और एक नाबालिग को 28 सितंबर को गिरफ्तार किया है। देखिए दिनांक 18/9/22 की घटना इज्जतनगर में जो हुई थी, जिसमें रवि लेखवाती के आईफोन को 3 बाइक सवार युवक छीन कर ले गए थे, जिसमें मुकदमा पंजीकृत हुआ था 392 का। इसमें सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस टीम और इसमें थाने की टीमें लगी हुई थी। इसमें कल रात 11 बजे के आसपास सौफिटा के रोड से बाइक सवार 3 युवक, जिसमें से कि हर्ष और तुषार और एक बाल अपचारी, इसको नियमानुसार हिरासत में लिया गया है। इनसे पूछताछ से पता चला कि ये अपने शौक के लिए और पैसे खर्च के लिए ये घटनाओं को अंजाम देते थे। इनके पास अपाचे बाइक थी, जिसमें से तीनों उसमें बैठ करके एक चलाता था और एक उसमें से मोबाइल छीन करके लूट करके भाग जाते थे और इसको अपने खर्चे के लिए किसी को दे दिया, इस तरह करके ये अपना खर्च निकालते थे। और इसमें पूछताछ से और इनकी बरामदगी जो हुई, अन्य लूट वाल जो लूट में गया था मोबाइल, उसके अतिरिक्त 5 अतिरिक्त मोबाइल भी बरामद हुए हैं, साथ ही जिसमें लूट कार्य करते थे बाचे, अब वो बाइक भी ग्रे कलर की बरामद हुई है। ये उस पर नंबर प्लेट नहीं लिखते थे, जिससे कि पकड़ में ना आए, लेकिन नंबर भी हमने ट्रेस कर लिया है और नियमानुसार को माननीय न्यायालय अब भेजा जा रहा है। ये दोनों ही हर्षपाल और तुषार बारादरी क्षेत्र के रहने वाले हैं और एक की उम्र इसमें 22 साल है, 21 साल है और ये युवा हैं और अपने खर्चे के लिए और महंगे शौकों के कारण ये काम करते थे। घर वालों की किसी जानकारी नहीं थी। इसमें से एक के पिता तो चाय की दुकान भी चलाते थे और ये इनको नियमानुसार हम आगे माननीय न्यायालय भेज रहे हैं। अभी तक की पूछताछ में क्या निकल सामने आया, इससे पहले भी की वारदातों को अंजाम दे चुके? इनका कोई पूर्व ऐतिहासिक इतिहास नहीं है और ये पहली बार ही इसमें आए हैं और इनको माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। 6 मोबाइल बरामद हैं इनके पास से, जिसमें से एक लूट का मोबाइल है और अन्य मोबाइलों के बारे में विवेचना हम कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं। और साथ ही अपाचे बाइक इनके प्राप्त से प्राप्त हुई, इनके इस पर नंबर प्लेट नहीं है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।